दोस्तों आपका अनंत के गार्डन में ये मैं आपको दिखा रही हूँ स्पाइडर प्लांट और पेंडेनस। अब आप जब भी लेने जाएं तो ये दोनों अलग अलग प्लांट्स हैं, ये स्पाइडर प्लांट है और ये पेंडेनस जिसको केवड़ा प्लांट भी बोलते हैं। इसके बहुत सारे नाम हैं, इसको स्क्रू पाम भी बोलते हैं। देखिए ये दोनों ही एयर प्यूरीफायर प्लांट हैं और दोनों की केयर एक जैसी है और दोनों ही देखने में बिल्कुल एक जैसे लगते हैं और कॉमन हाउस प्लांट हैं और इनकी केयर भी एक जैसी है। ये अपने अट्रैक्टिव फोलिएज की वजह से पसंद किए जाते हैं और ये इंडोर आउटडोर दोनों जगह रह सकते हैं। ये देखिए इनका लीफ कितनी खूबसूरत है, ये देखिए इसकी भी लीफ किस तरह से खूबसूरत है। ये स्पाइडर प्लांट में इस तरह से ईयरली फ्लावरिंग भी होती है। ये देखिए ये इसका डिफरेंस है ये, और इसमें केवड़ा प्लांट में तो फ्लावरिंग अभी तक मैंने देखी नहीं है। और जो सेकंड डिफरेंस है वो ये कि इसमें पेंडेनस में कोई भी इस तरह से रनर नहीं निकलते जिस तरह की इस प्लांट में, स्पाइडर प्लांट में नीचे रनर निकल के इस तरह से ये बेबी प्लांट्स लग जाते हैं जिससे हम इजीली प्रोपेगेट कर सकते हैं। और इसकी प्रोपेगेशन इसमें नीचे ही, ये देखिए ये छोटे प्लांट्स इसके नीचे ही निकलते हैं, ये नीचे से एक ही इसकी स्टेम रहती है। ये इसका डिफरेंस है, इसकी प्रोपेगेशन डिवीजन से होती है और इसकी पत्तियां इस तरह से येलो के अंदर खूबसूरत स्ट्राइप्स हैं। और इसकी प्रोपेगेशन हम अंदर से भी कर सकते हैं, छोटे प्लांट्स निकाल के इसके और इसके रनर से भी कर सकते हैं। इसको हम इजीली पानी में भी प्रोपेगेट कर सकते हैं। तो आप जब भी प्लांट लेने जाएं तो ये देखें कि उसके रनर्स निकले हुए हैं तो वो स्पाइडर प्लांट है और रनर नहीं है तो वो पेंडेनस है। और केवड़ा प्लांट में कहते हैं कि बहुत बड़ा हो जाने पर इसमें फ्लावर निकलता है और उसका जो हम केवड़ा यूज़ करते हैं उसमें खीर वगैरह में थोड़ा वाटर डालते, केवड़ा वाटर वो बनता है उससे, पर ये हाउस प्लांट में तो मैंने कभी देखा नहीं है। ये डिफरेंस और ये सिमिलैरिटीज़ की वजह से ये दोनों प्लांट्स बहुत पसंद किए जाते हैं, इनकी केयर बिल्कुल एक जैसी है। अगर ये आपको जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।